देश की जनता ने समय समय पर कांग्रेस को जो सबक सिखाया है, लगता है कांग्रेस को वो याद नहीं रह पाता, वरना पवन खेड़ा इस चुनावी दौर में ऐसा बयान कतई नहीं देते जिससे कांग्रेस का बेड़ा गर्क हो सकता है। कांग्रेस पार्टी जनता का रुख देखकर बौखला गई है, इसलिए नेताओं की बुद्धि ने कार्य करना बंद कर दिया है। हर बार की तरह एक और कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कल अपनी मर्यादा का स्तर गिराते हुए पीएम मोदी को लेकर बेहद शर्मनाक बयान दिया। आप भी कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता के बारे में दो शब्द कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दरअसल इंडिया टीवी कॉन्क्लेव में भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा के साथ बहस के दौरान पवन खेड़ा ने अपने शर्मनाक बयान में कहा कि मोदी की फुल फॉर्म एम से मसूद अजहर, ओ से ओसामा बिन लादेन, डी से दाऊद इब्राहिम तथा आई से आईएसआई है। संबित पात्रा ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए खेड़ा से माफी मांगने को कहा, जिसके बाद वहां बैठे लोग नेताजी की कुटाई पर उतर आए और इस बयान पर घोर आपत्ति जताते हुए माफी मांगने के लिए कहा। बात बढ़ती देख पवन खेड़ा ने सफाई दी कि पीएम मोदी अक्सर अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए इन सब के पीछे छुप जाते हैं। इंडिया टीवी ने भी पवन खेड़ा के इस बयान पर असहमति जताई। इससे पहले पिछले हफ्ते तेलंगाना की एक कांग्रेस नेता विजया शांति ने भी पीएम मोदी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। उन्होंने कहा था कि देश का हर व्यक्ति भयभीत है कि न जाने कब मोदी उन पर एक बम फोड़ दे, वे एक आतंकी की तरह दिखते हैं, लोगों से प्यार करने की बजाय वे उन्हें डराने का काम कर रहे हैं। इस बात पर लोगों ने कांग्रेस पार्टी की खूब खिंचाई की। वैसे देश की जनता ने तो एक अन्य कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक को भी नहीं भूली है, जिन्होंने एक बहस के दौरान भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया पर निजी हमला करते हुए कहा था, तेरा बाप होगा चपरासी, तेरे मुंह पे बोलकर जा रही हूं, क्या कर लेगा। यह बात कई मौकों पर सिद्ध हो चुकी है कि जब भी किसी नेता ने अपनी राजनीतिक मर्यादा को लांघा है, उसे देश की जनता द्वारा भरपूर जवाब दिया गया है। चाहे वह साल 2014 के चुनाव में कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर द्वारा पीएम मोदी को चाय वाला कहना हो, या फिर गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले अय्यर द्वारा पीएम मोदी को नीच किस्म का आदमी कहने का वाला बयान हो, हर बार देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को खूब सबक सिखाया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी ऐसे समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बदजुबानी की है जब कांग्रेस को चौकीदार चोर है के नारे पर देशवासियों ने पहले से बुरी तरह घेर रखा है। चौकीदार के लिए कांग्रेस पार्टी की अपमानजनक भाषा के विरोध में आज देश के विकास में योगदान देने वाला हर भारतवासी कह रहा है, मैं भी चौकीदार हूं। जनता जनार्दन के रुख से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की गर्दन फंस कर रह गई है। उनकी आंखों के सामने अंधेरा सा गया है कि अब अपने इस नारे को आगे बढ़ाएं तो कैसे बढ़ाएं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप भी अपनी कीमती राय इस वीडियो में जरूर दें कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल अपना इंडिया पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाली बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय हिंद, वंदे मातरम।